Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So in this video, let's discuss one of the most interesting and most important topic of Negotiable Instrument Act 1881, and the topic is degener of negotiable instrument. Degener of negotiable instrument मतलब एक negotiable instrument कैसे degener होता है, right? Negotiable instrument क्या होता है? You might have heard of a check bouncing due to insufficient fund. कभी आपने सुना है कि जो चेक इशू किया गया था वो insufficient fund के वजह से बाउंस हो गया हो, तो दिस इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ degener ऑफ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट. सो नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट इज ए डॉक्यूमेंट दैट गारंटी द पेमेंट ऑफ ए सम ऑफ मनी आइदर ऑन डिमांड और एट ए सेट ऑफ टाइम विद द पेयर यूजुअली नेम्ड ऑन द डॉक्यूमेंट, राइट? नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट किसको कहते हैं? वो एक डॉक्यूमेंट टाइप का होता है जो गारंटी देता है पेमेंट ऑफ ए सम ऑफ मनी, पेमेंट ऑफ ए सम ऑफ मनी आइदर ऑन डिमांड, आइदर ऑन डिमांड या फिर एट ए सेट टाइम विद द पेयर व्हिच इज कॉल्ड यूजुअली नेम्ड ऑन द डॉक्यूमेंट, राइट? दिस इज कॉल्ड नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट. सो नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कौन कौन आते हैं? हम लोगों को पता है कि पहले प्रॉमिसरी नोट आता है, देन बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, देन चेक आता है, देन ड्राफ्ट आता है, और यू कैन से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. ये सब नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर होते हैं. एक तो प्रॉमिसरी नोट, देन बिल ऑफ एक्सचेंज, देन चेक, देन ड्राफ्ट एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, राइट? सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डिजनर ऑफ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट. तो सर नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट कैसे डिजनर होता है? सी द लॉस ऑफ ऑनर फॉर द इंस्ट्रूमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द मेकर या फिर ड्रॉई और एक्सेप्टर व्हिच रेंडर्स द इंस्ट्रूमेंट अनसुइटेबल फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द पेमेंट इज कॉल्ड डिजनर ऑफ ए नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट. इसमें नोट करने की बात यह है कि द डिजनर ऑफ ए नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी डन बाय द मेकर ड्रॉई और द एक्सेप्टर डिपेंडिंग ऑन द केस. मतलब जो डिजनर होता है नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट वो आइदर मेकर के द्वारा हो सकता है, ड्रॉई के द्वारा भी हो सकता है, और द एक्सेप्टर डिपेंडिंग ऑन द केस, डिपेंडिंग ऑन द केस, राइट? और ड्रॉयर ड्रॉई कौन है? हम लोगों को पहले पता है कि ड्रॉयर वो लोग है जो द मेकर ऑफ ए बिल होते हैं. द मेकर ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज कॉल्ड द ड्रॉयर हु ड्रॉ द बिल और राइट द चेक, इसे कहते हैं ड्रॉयर. इन शॉर्ट यू कैन से द पर्सन हु ड्रॉ द चेक दैट इज साइंस एंड ऑर्डर द बैंक टू पे द सम, साइन एंड ऑर्डर द बैंक टू पे द सम, राइट? ड्रॉई कौन होते हैं? ड्रॉई होते हैं वो पर्सन दे आर बाई डायरेक्टेड टू पे इज कॉल्ड द ड्रॉई, जिसको पैसा दिया जाता है, जिसको डायरेक्ट मतलब जिसको पैसा दिया जाने के लिए डायरेक्शन दिया जाता है, इसे कहते हैं ड्रॉई. यू कैन से द बैंक ऑन हुईज द चेक इज ड्रॉन और हुईज डायरेक्टेड टू पे द स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी रिटर्न ऑन द चेक इज कॉल्ड ड्रॉई. ड्रॉई में ऑल्सो सिमिलर टू बैंक, राइट? द बैंक ऑन हुईज द चेक इज ड्रॉन और हु इज डायरेक्टेड टू पे द स्पेसिफाइड सम रिटर्न ऑन द चेक, राइट? सो ये था हमारा नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो जो सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ड्राफ्ट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक्सेट्रा, राइट? नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजनर, राइट? सो फर्स्ट नॉन एक्सेप्टेंस, नॉन पेमेंट, ये दोनों मुख्य कारण होते हैं डिजनर ऑफ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट. एक तो नॉन एक्सेप्टेंस, देन नॉन पेमेंट. नॉन एक्सेप्टेंस फॉलिंग अंडर सेक्शन 91, नॉन पेमेंट फॉलिंग अंडर सेक्शन 92, राइट? सो फर्स्ट सेक्शन 91 ये कहता है प्रोवाइड्स दैट ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज सेड टू बी डिजनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस व्हेन द ड्रॉई और वन ऑफ सेवरल ड्रॉई, अगर कोई ड्रॉई या फिर सेवरल ड्रॉई नॉट बीइंग पार्टनर्स मेक्स डिफॉल्ट इन एक्सेप्टेंस अपॉन बीइंग
duly required to accept the bill, or where the presentment is excused and the bill is not accepted. Where presentment is excused किया जाता है and when the bill is not accepted. When the drawee is incompetent to contract or the acceptance is acceptance, in that case is called qualified, the bill may be treated as degenerate, right? When drawee incompetent to contract, contract करने को incompetent होगा, या फिर the acceptance is qualified, अगर acceptance qualify किया जाता है, in that case also the bill may be treated as degenerate. So सेक्शन 91 कहता है नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डिजर्नल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नॉन एक्सेप्टेंस मीन्स व्हेन ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज सेड टू बी डिजर्नल बाय नॉन एक्सेप्टेंस, व्हेन द ड्रॉई और वन ऑफ सेवरल ड्रॉई नॉट बीइंग पार्टनर मेक डिफॉल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ वन बीइंग ड्यूली रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द बिल और व्हेयर प्रेजेंटमेंट इज एक्सक्यूज्ड एंड द बिल इज नॉट एक्सेप्टेड. व्हेन the drawee is incompetent to contract or the acceptance is qualified, then the bill may be treated as degenerate. Understood? Now comes to section 92, non-payment. So section 92 kya kehta hai? Section 92 ye kehta hai that an instrument is said to be degenerate by non-payment when the maker of the note or acceptor of the bill or drawee of the check makes default in payment upon being duly required to pay the sum. Right? When drawee जो होता है, when अगर या फिर आप कह सकते हैं acceptor of the bill, जो acceptor of the bill होते हैं, या फिर maker, when the maker of the note या फिर एक्सेप्टर ऑफ द बिल, कोई भी हो सकता है एक्सेप्टर ऑफ द बिल, या फिर ड्रॉई ऑफ द चेक मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट, अगर पेमेंट देने में लेट कर दिए और दे नहीं पाए, मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट अपॉन बीइंग ड्यूली रिक्वायर्ड टू पे द सम, इन दैट केस इट विल बी डिजनर्ड नॉन पेमेंट. सेक्शन 92 ये कहते हैं नॉन पेमेंट ऑफ ड्रॉई या नॉन पेमेंट ऑफ एक्सेप्टर ऑफ द बिल resulting into degenerate of negotiable instrument, right? So ये दो section बहुत important है, हम लोगों को section बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा. Section 91 कहता है non-acceptance, non-payment होता है section 92. इसमें multiple question आ सकता है या फिर लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है. तो ये डिजनर ऑफ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एंड व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडेड अंडर नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजनर ऑफ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट. एज वी ऑलरेडी डिस्कस दैट नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट इज ए डॉक्यूमेंट दैट गारंटी द पेमेंट ऑफ ए सम ऑफ मनी आइदर ऑन डिमांड और एट ए सेट टाइम विद द पेयर usually named on the document. And what are the documents involved under negotiable instrument? One is promissory note, second bill of exchange, third check, fourth draft, and fifth certificate of deposit. Now what is the meaning of degenerate of negotiable instrument? As you know that the loss of honor for the instrument on the part of the maker, drawee or acceptor, on the part of the maker, drawee or acceptor, which renders the instrument unsuitable for the realization of the payment. बस इतना ही हम लोग लिखना है. What is the meaning of degenerate of negotiable instrument? Means you can write simple, the loss of honor for the instrument on the part of the maker, drawee or acceptor, which renders the instrument unsuitable for the realization of the payment. Simple. इसमें नोट करने वाला चीज ये है कि the degenerate of a negotiable instrument can be done by the maker, drawee or the acceptor depending on the case. Case के ऊपर depend करता है कि
एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसे डिजर्नर होता है। ये मेकर के थ्रू डिजर्नर भी हो सकता है, ड्रॉई के थ्रू भी हो सकता है, या फिर एक्सेप्टर ऑफ द बिल के थ्रू भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है केस के ऊपर, राइट। सो दिस इज कॉल्ड डिजर्नर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एंड एज यू ऑलरेडी डिस्कस, ड्रॉई कौन होता है, एंड द पर्सन देयर बाई डायरेक्टेड टू पे इज कॉल्ड द ड्रॉई। मतलब बैंक, द बैंक ऑन हुईज द चेक इज ड्रॉन और हु इज डायरेक्टेड टू पे द स्पेसिफाइड सम रिटर्न ऑन द चेक। ड्रॉयर कौन होते हैं, ड्रॉयर द पर्सन हु ड्रॉ द बिल। ड्रॉयर वो लोग होते हैं जो चेक को ड्रॉ करते हैं या फिर चेक को लिखते हैं, राइट ऑन द चेक, राइट ऑन द चेक, या फिर साइन एंड ऑर्डर द बैंक टू पे द सम, या फिर जो चेक के ऊपर साइन करते हैं और बैंक को ऑर्डर करते हैं पे करने के लिए, इसे क्या कहते हैं, ड्रॉयर, राइट। रिसीवर कौन होते हैं, इसे कहते हैं पेई। पेई होता है वो द बेनिफिशियरी दैट इज टू हुम द अमाउंट इज टू बी पेड, द बेनिफिशियरी दैट इज टू हुम द अमाउंट इज टू बी पेड, दैट इज कॉल्ड पेई, राइट। सो ये था हमारा डिजर्नर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, एंड हैप्पी स्टडिंग।